हेलो दोस्तों, मैं अंश और आपके अपने यूट्यूब चैनल आल बेज स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं जीके ट्रिक्स। और किस चीज़ की जीके ट्रिक्स देखने वाले हैं, आपने थंबनेल और टाइटल से पता लगा ही लिया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, या कोई जीके ट्रिक्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस ट्रिक के बारे में पता चल सके। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं जीके ट्रिक्स, किस चीज़ की, ग्रहों के क्रम के लिए ट्रिक। ठीक है, यानी ग्रहों के सबसे मतलब सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, या आपको अगर पूछा नहीं भी जाता तो आपको ये इतना तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, आपने अगर याद किया है सभी ग्रहों के नाम लेकिन आपको लाइन टू लाइन नहीं याद है कि कौन सबसे बड़ा है, फिर कौन है, फिर कौन है, तो आज हम इसी के लिए ट्रिक लाए हैं। तो सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है, माई वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्वड अस नूडल्स। ठीक है, ये है ट्रिक, कमाल की फनी ट्रिक है। तो ट्रिक आपको बहुत ही सिंपल है, याद रख लेना है क्या, माई वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्वड अस नूडल्स। ठीक है, अब देखते हैं इसका विस्तार। तो माई से, ठीक है, माई से क्या हो जाएगा, मर्चरी यानी बुध हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है ग्रह, बुध है। उसके बाद वेरी, वेरी से हो जाएगा क्या, वेनस मतलब शुक्र। ठीक है, उसके बाद वेरी, माई वेरी, उसके बाद क्या है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट यानी अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, माई वेरी एक्सीलेंट, फिर आता है मॉम, मॉम से हो गया मार्स, मार्स यानी होता है क्या, मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह। उसके बाद क्या आता है, जस्ट, जस्ट यानी कि, जस्ट हो जाएगा जुपिटर यानी कि गुरु। ठीक है, क्या था, माई माई एक्सीलेंट मॉम जस्ट। उसके बाद क्या आता है, सर्वड यानी क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा सनी। उसके बाद क्या आता है, अस, अस से क्या होता है, यूरेनस। ठीक है, यूरेनस का मतलब क्या होता है, अरुण। अस का क्या हो जाएगा, यूरेनस, उसके बाद मतलब अरुण इसका। और लास्ट में क्या आता है, जस्ट सर्व नूडल्स। तो नूडल्स क्या क्या हो जाएगा, नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रहण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जीके ट्रिक्स पता चल गई होगी, इसका विस्तार भी पता चल गया होगा। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट का होगा, इससे लंबा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, 3 से 4 बार देखना है, तो आपको आराम से, बिल्कुल आराम से समझ में आ गया, आ जाएगा और आपको ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सब शनि अरुण और ये सब ग्रह पहले से याद है तो आप सिर्फ ट्रिक के माध्यम से इसको आराम से, सबसे बड़ा कौन सा है बुध और सबसे छोटा कौन सा है वरुण। ठीक है, इसका फिर से एक बार ट्रिक देख लेते हैं। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, माई वेरी एक्सलेंट मॉम जस्ट सर्वड अस नूडल। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।